मैनेजमेंट हमारे साथ है क्योंकि नंबर्स यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग आए और ये नंबर्स में रिफ्लेक्शन में दिख रहा है आपको। आप चाहे होटल बिजनेस देखें, आप ट्रैवल बिजनेस देखें, आप एविएशन बिजनेस देखें, सभी में एक अलग सर्ज दिखाई दे रहा है। और इसी बेसिस पर आज हम बात करने वाले हैं इजी माई ट्रिप की मैनेजमेंट से। हमारे साथ प्रशांत पिट्टी हैं हमारे साथ, को फाउंडर हैं इजी माई ट्रिप के, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मॉर्निंग प्रशांत, जो हम नंबर्स में भी देख रहे हैं इट्स अ गुड रिफ्लेक्शन। पैट आपका ऑलमोस्ट 50% तो नहीं कहना चाहिए, बट एटलीस्ट 35% का जंप आपके दिख रहा है। रेवेन्यूज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो मेजरली क्या बड़े ड्राइवर्स रहे, क्योंकि होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री फिर से एक रीबाउंस दिख रही है, चाहे वो लेजर बिजनेस लेजर हो, ट्रैवल लेजर हो, फिर से वापस कम बैक हुआ है। क्या बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स थे, कौन से सेगमेंट सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया? Hi, thank you for having me on the show. देखिए हमारा क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जो आया है वो हमने इस क्वार्टर में 2200 करोड़ का टोटल टर्नओवर किया है। अगर आप लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो हमारा लास्ट ईयर इस टाइम पे अराउंड 1280 करोड़ का टर्नओवर था। तो ऑब्वियसली एक तो ग्रोथ का रीजन यही है कि हम सब कोरोना से बाहर आ गए हैं एंड ट्रैवल बिजनेस इज बैक। एंड सेकेंड रीजन इज हमारी काफी फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, हमारा हर क्वार्टर पुराने क्वार्टर से बेटर जाता है। अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर वन के अंदर हमारा टोटल बिजनेस लगभग 1300 करोड़ का था, फिर 1900 करोड़ का बिजनेस हुआ और अब हमारा जो बिजनेस है वो लगभग 2200 करोड़ का बिजनेस हुआ इस क्वार्टर के अंदर। तो हमारी यही हमारी यही इच्छा रहती है, हम इसी के ऊपर फोकस करते रहते हैं कि कैसे हम अपना बिजनेस ग्रो करते रहे वाइल मेंटेनिंग प्रॉफिट। जैसा कि आप जानते हैं इज़मा ट्रिप इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी सिंस डे वन, तो हम प्रॉफिटेबली कंपनी को ग्रो करने की कोशिश करते रहते हैं। प्रशांत, आपका कोर बिजनेस तो खैर एयरलाइंस बुकिंग है, जहां से इस बार आपके 31% की ग्रोथ आई। मेरे को आपके होटल बिजनेस के बारे में पता करना है, वहां पे बुकिंग का इस समय सिनेरियो क्या है, कितना बड़ा है और आपकी टोटल बैलेंस शीट्स में ये होटल बुकिंग एज अ रेवेन्यू ये कितना बड़ा एक हिस्सा होता है? इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर होटल एंड हॉलीडेज का जो कंट्रीब्यूशन आया है वो अराउंड 14 करोड़ का आया है, वो काफी अच्छा जंप है हमारे पिछले क्वार्टर से। आप अगर हमारी होटल बुकिंग देखेंगे, आपने एयरलाइंस बुकिंग्स अराउंड 31% ग्रोथ हुई है, जबकि होटल्स की बुकिंग का 88% का ग्रोथ आया है। तो ये बात सही है कि अभी हमारा मेजोरिटी फ्लाइट्स है, बट हमारा होटल, बस, ट्रेन, हॉलीडेज सब काफी स्पीड से ग्रो कर रहा है। आपके पास एक लॉयल कस्टमर बेस तो है ही, एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, लेकिन आप अगर पीरियोडिकली कितने क्लाइंट एडिशन करते हैं इस पर भी आप कुछ फिगर्स हमसे शेयर करें। इस क्वार्टर में हमने लगभग 400,000 नए कस्टमर ऐड किए जिन्होंने हमें यूज करना शुरू किया। वेरी ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन, लेकिन प्रशांत, ऐसी कौन सी मेजर डेस्टिनेशंस हैं जो इंडियंस के प्रेफर्ड लिस्ट पर रहेंगी, चाहे डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो? वी वुड लव टू नो कि इंडियंस ज्यादा जाना पसंद कहाँ कर रहे हैं। देखिए अभी तो दुबई नंबर वन लोकेशन है बुकिंग के अंदर, आउटसाइड के लिए दुबई के लिए टाइम भी ठीक है, वहाँ पे अभी शॉपिंग का जो उनका सीजन होता है वो भी चल रहा है, तो दुबई काफी अच्छा चल रहा है, थाईलैंड अच्छा चल रहा है। विद इन इंडिया हम अभी काफी अच्छा टूरिज्म ऑब्वियसली गोवा की तरफ देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट भी काफी कस्टमर्स प्रेफर कर रहे हैं इस टाइम जाना। प्रशांत बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एंड हम ये उम्मीद भी करते हैं, हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि आपका बिजनेस काफ़ी अच्छे से ग्रो हो, जो आपकी इस बार की बैलेंस शीट्स पे भी हमको दिख रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।